गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो भाई आज का व्लॉग हमारा रेणुका का होने वाला है। मैं रेणुका जा रहा, तो भाई आपको भी दिखाऊंगा और पूरा सफ़र दिखाऊंगा। तो भाई व्लॉग में लास्ट तक बने रहना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ भाई, ये व्लॉग दो पार्ट में होएगा, एक में तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो भाई इसको मैं दो पार्ट दे दूंगा व्लॉग को। एंड आ गया, और वहाँ पर भाई बस रुकी हुई मीनू, तो इसमें ही चलेंगे हम। तो कॉलेज में इसमें जाते हैं ना, तो अब चलते हैं, देखते हैं। अभी हम ददाऊ पहुंचे हैं, अब आएगा मेरा दोस्त, तो चलते हैं। दो तीन अभी आए हुए, तो मिलते हैं अब आपसे और दिखा। तो ये है ददाऊ की मार्केट, कुछ पीछे को है, बस स्टैंड पे उतरे ना हम तो दिखाई नहीं गई, तो कुछ पीछे को है और कुछ आगे को, और ऊपर पुलिया हॉस्पिटल है।
जी ये रोड जाता है संगड़ा नेरी हरिपुरदार की ओर और ये सामने रेणुका को। चल तो जब यहाँ रेणुका में मेला होता है तो भाई इसी जगह पे लगती है दुकान, झूला वगैरह सब कुछ। तो और कुछ सही लोकेशन है भाई, बिल्कुल प्लेन। हम पहुंच चुके हैं, ये पीछे आपको दिख रहा है परशुराम ताल और झील भाई से आगे है और ये पीछे को भाई वो है रणमंच। तो मेले में यहाँ बहुत प्रोग्राम वगैरह भाई, ऐसे व्यू है, एक बार आप भी जरूर आओ यहाँ। तो ये नीचे मछलियां अब तो आई नहीं रही ऊपर को, ऊपर उड़ इन बच्चों को देखो आप इस तरह, बच्चों को भाई अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और बच्चे भी ऐसे कि यूपी से आए हुए, पता सता ही नहीं इनको कुछ। ओम ये तो करेंगे कुछ, गोजल से लग रहे तो। हम मंदिर में एंटर हो चुके हैं और आगे आगे अपने भैया चल रहे हैं और ये भाई परशुराम ताल है। कुछ लोग इसको भी झील समझ बैठते हैं कई बार तो। और भाई वो पार ट्रक में आई हुई, शायद पूरी रिश्तेदार आए हुए, सुबह देखे थे हमने, वहीं नाच गाना भी कर रहे और यहीं सुबह से लेके अब तक कुछ ही है। मास्क नहीं तो दर्शन नहीं भाई, यहाँ खोलने जूते। यहाँ हाथ धोने के लिए लगे हुए और शुद्ध होके अंदर की ओर। ये सैनिटाइजर पड़ा हुआ, ये भाई मंदिर है। तो गाइज ये जो नीचे आपको शिला दिख रही है, इस पर बैठकर परशुराम जी ने तप किया था यहाँ। तो ये जो भाई फूल से दिख रहे ना आपको, तो ये लिखा हुआ भाई हिंदी में देखो, जय माता रेणुका जी। ये भाई जय और ये आगे माता रेणुका जी, हिमाचल टूरिज्म और ये बोटिंग पॉइंट। Thank you.
तो भाई ये पूरे हिमाचल की सबसे बड़ी झील है और नेचुरली है, तो आपको इसका एंड पॉइंट भी नहीं दिख रहा होगा। मैं बैक कैमरा से दिखाऊंगा, अभी आप यहाँ आपको एंड पॉइंट ही नहीं दिख रहा अभी यहाँ से। तो इसका तो ये स्नान घाट है नहाने के लिए। अब तो मास्क की जरूरत, तो एक बार यहाँ आके भाई जरूर नहाना। बोलते हैं कि पाप धुलते हैं, जो पाप किए या हम लोगों ने वो यहाँ नहा के धुल जाते हैं। आप पीछे गेट देख सकते हैं, तो हम अंदर हो गए, मतलब परिक्रमा बोलते हैं ना। तो भाई 2.5 किलोमीटर है ये पूरा घूम के पीछे तक, तो ये आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। आप लोग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दबा के सब्सक्राइब करो, इससे ज़्यादा से ज्यादा